हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया एकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए आरसीईआरटी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ मैं इस पार्ट में। तो दोस्तों जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि इनमें से आपके लिए कम से कम 10% आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो लीक हुए हैं पेपर उसी में से पूछे गए हैं। तो जल्दी से आप जल्दी से आ जाइए सभी विद्यार्थी, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर डेली आरसीईआरटी की क्लासेस चला रहे हैं। तो जल्दी से आ जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की तैयारी के लिए ये नोट्स बनाए जा रहे हैं आपके लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, दूसरी जनरेशन में पेश की हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। दूसरी जनरेशन में पेश की हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर सभी विद्यार्थी देंगे, इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर कोबाल और फोर्टन। क्या हो जाएगा? कोबाल और फोर्टन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था, यानी कि पार्ट क्या था? तो राइट आंसर रहेगा इसका वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन है, दूसरी जनरेशन कंप्यूटर का विकसित किया गया है। दूसरी जनरेशन कंप्यूटर का विकसित किया गया है, कब किया गया है विकसित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1956 से 1965। क्या हो जाएगा? 1956 से 1965 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था? तो कौन सी जनरेशन में किया गया था? तो यहाँ पर 4th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि 4th जनरेशन में। कब किया गया था? 4th जनरेशन में राइट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यहाँ पर 5वां, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन है, यानी कि विंडोज 7 राइट आंसर रहेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, जबकि पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज 7 सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा सभी विद्यार्थियों का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OS। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? OS की शॉर्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाए आपसे तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC का विस्तारित रूप है, एनिक का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप हो जाएगा सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर है? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रो फैक्ट जैसे लेटर्स वर्ड आमदनी को क्या कहा जाता है? रो फैक्ट जैसे लेटर्स वर्ड्स आमदनी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन ए, यानी कि क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है? राइट आंसर दीजिएगा इसका, बिल्कुल हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि प्लाटर। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है? प्लाटर। प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर की लिमिटेशन को परिभाषित करता है? तो कौन सा करता है, आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, कंप्यूटर की लिमिटेशन को परिभाषित करता है, इसका राइट आंसर है कोई आए क्यों नहीं, इसका राइट आंसर रहेगा कोई नहीं, ठीक है, इसका राइट आंसर सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही है, कोई आए क्यों नहीं, ठीक है, इसका कोई आए क्यों नहीं है, यानी कि कोई इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर का एक उदाहरण है,
डेजी व्हील प्रिंटर का एक उदाहरण क्या है? जल्दी से राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर है इंपैक्ट प्रिंटर। क्या हो जाएगा? इंपैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर का एक उदाहरण है इंपैक्ट प्रिंटर, बिल्कुल राइट आंसर है। और यदि इससे पहले कि आपने पार्ट नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिए। और यहाँ पर एक आपके लिए नया ऑफर दिया गया है, यदि आप चाहते हो कि हम नोट्स लेना चाहें, यदि आप नोट्स लेके पढ़ाई करना चाहते हो, आपके आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, तो आप मात्र 200 रुपये में नोट्स ले सकते हो। और 200 रुपये में आपको पास की पूरी गारंटी है। यदि आप पास नहीं होते हो तो आपके 200 रुपये वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। यदि आप चाहते हो कि नोट्स लेना है तो आप जो मैं नंबर बता रहा हूँ इनमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए और वहाँ पर लिखिए मैं RSCIT से हूँ और मुझे आपसे नोट्स लेने हैं, ठीक है? तो मैं नंबर बता देता हूँ एक बार, 82 90 37 23 59। इस नंबरों पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। आप पैसे किस माध्यम से जमा करा सकते हो? फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से आप पैसे जमा करा सकते हो और आप यहाँ से नोट्स ले सकते हो। पास होने की पूरी गारंटी है। हमने पहले भी कई बच्चों के लिए नोट्स बेचे हैं, तो उनमें हमने अभी तक 150 बच्चों को नोट्स बेच चुके हैं। कितने बच्चों को? 150 बच्चों को। 150 बच्चों में से केवल अभी तक 2 बच्चे फेल हुए हैं। कितने बच्चे? 200 में से 150 में से 2 बच्चे फेल हुए हैं, वो भी बीमार होने की वजह से। 148 बच्चे पूरे पास हो चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी नोट्स लेना चाहते हो और आप भी अपना भविष्य सुधारना चाहते हो, आपके पास लास्ट मौका है, तो आप इस लास्ट मौके को गवाइए मत और सबसे पहले इस नोट्स को लीजिए और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कैसे तैयारी करनी है सारी जानकारी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार ताज़ा किया जाता है? तो आप इसका राइट आंसर देंगे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि डायनेमिक रैम। कौन सा? डायनामिक रैम, बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि कैश मेमोरी। कौन सा? कैश मेमोरी। यदि बार बार में सूचना कोई काम आती है तो कैश मेमोरी में संग्रहित कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल को निशान को स्कैन कर और पढ़ सकता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चौथे प्रश्न का, OMR। तो आपने देखा होगा OMR क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकता है और उसको निशान को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, ये मेमोरी बताइए आप जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि रैम। क्या हो जाएगा? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखी है, क्योंकि फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाने वाले क्वेश्चन है। अब आपके लिए मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सबकी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म सब कुछ रखूंगा, ठीक है? तो आपके लिए सब क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर। किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है? किस प्रकार की बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है रोम? जल्दी बताइए। अगला जल्दी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो छठे इसका राइट आंसर जाएगा आपके ऑप्शन डी, EEPROM। क्या हो जाएगा? EEPROM आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उदाहरण करता है? तो कौन सा करता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर का प्लाटर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लाटर। बिल्कुल राइट आंसर है, प्लाटर आपका हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ये आपका नाम सुना ही होगा आपने, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा है सबसे तेज कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है DPI, आपको बताना है DPI की फुल फॉर्म। DPI की फुल फॉर्म बताइए। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अभी जो पिछली बार एग्जाम हुए थे आपके, उनमें भी पूछे गए थे, तो आप जल्दी से किसका राइट आंसर बताइए, ताकि आपको भी आगे आने वाला एग्जाम है आपका कल, जिनमें यह पूछा जाएगा, तो आप इसका राइट आंसर दे सकेंगे।
जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा डॉट पर इंच। क्या हो जाएगा? डॉट पर इंच डीपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज का आपको सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और आप अच्छा सा कमेंट लिखिए। यदि आपको नोट्स लेना है तो आप नोट्स के लिए जो मैंने नंबर बताया उसमें मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। और आपको और वीडियो देखनी है तो आप जाइए चैनल में, विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आरएससीआईटी के नाम से। धन्यवाद।